सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से 5 अध्यापकों को बर्खास्त करने के फैसले के खिलाफ सांझा अध्यापक मोर्चा की तरफ से गुरदासपुर में रोष मार्च निकालते हुए सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका गया। इस मौके पर सांझा अध्यापक मोर्चा के द्वारा किए गए रोष मार्च में शामिल हुए प्रदर्शनकारी अध्यापकों का कहना था कि सरकार ने पटियाला धरने को उठवाने के मौके पर वायदे किए थे कि आपकी सभी जायज़ मांगे मान ली जाएंगी और सस्पेंड किए गए अध्यापकों को बहाल कर दिया जाएगा और प्रदर्शन के दौरान जो कानूनी कार्रवाई अध्यापकों के ऊपर की गई वो भी वापस ले ली जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके उल्टा सरकार ने आज हमारे 5 साथी अध्यापकों को नौकरी से बर्खास्त करके अपना असली चेहरा सामने रख दिया है। सरकार इस तरह अपने हकों के लिए लड़ रहे प्रदर्शनकारी अध्यापकों को दबा नहीं पाएगी और उन्होंने कहा कि हम अपने इस संघर्ष को तेज करते हुए सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ अपने प्रदर्शन का झंडा और ज़्यादा बुलंद करेंगे। पंजाब दे विच लंबे समय तो अध्यापकों का अंदोलन चलता क्योंकि एक पासे जिथे 5178 के अध्यापकों को पक्के नहीं किया जा रहा 3 साल बीत जाने के बावजूद, दूजा SSA रमसा आदर्श के मॉडल स्कूलों के अध्यापकों की तनखाह कटौती गई की गई 65% तक। इस दे खिलाफ पटियाले दे विच एक पक्का मोर्चा लग्या। उस मोर्चे दे विच आ के 55वें दिन सिख्या मंत्री 1 दिसंबर नूं ऐलान करता हैगा कि तनखाह कटौती का मामला 15 दिनों के मुख्यमंत्री की मीटिंग रिव्यू किया जाऊगा। दूजा ऐलान उन्होंने यह किया कि 5178 वालों को 2019 तो पूरी तनखाह दी जाऊगी। तीजा ऐलान किया वलंटियरों की तनखाह च वाधा किया जाऊगा। चौथा ऐलान यह किया कि जिन्नियां बदलियां सस्पेंशन कीतियां ने सारियां रद्द कीतियां जाणगियां, पर सिख्या मंत्री ने अपने एक भी ऐलान के उत्ते फुल नहीं चढ़ाए। वो अपने ऐलाना तो पलटिया ही नहीं, सगों 5 अध्यापक आगुआ नूं अज टर्मीनेट कर दिता गया है जिहड़े सस्पेंड किए सी। इस करके पूरे पंजाब दे विच अज सांझे अध्यापक मोर्चे ते होर जथेबंदियां वल्लों सिख्या मंत्री दे पुतले फूक के रोस प्रदर्शन किए जा रहे। प्रोग्राम जिहड़ा सिख्या मंत्री दी वादा खिलाफी दे खिलाफ पक्के मोर्चे दे विच 1 दिसंबर नूं धरनाकारी अध्यापकों नूं घर भेजन तो बाद इस वादे नाल कि अध्यापकों दीआं सारीआं मंगां दा हल कर दिता जाएगा, मान लिया जाएगा। SSA रंगसा अध्यापकों की तनखाह कटौती का फैसला रिव्यू करके मुड़ विचारिया जाएगा। टर्मीनेशनां विक्टिमाइजेशनां रद्द कीतियां जाणगियां। लोहड़ी दे मौके ते बयान दिंदे ने कि सारियां विक्टिमाइजेशनां टर्मीनेशनां रद्द कीतियां जा रहियां ने, अध्यापकों दीआं जायज़ मंगां मन्नियां जा रहियां ने। ते दूजे पासे अज एक नादरशाही फरमान जारी करदे ने जिहदे तहत संघर्षी अध्यापक आगुआं नूं मुअत्तल ते सस्पेंशन तो मुअत्तल तो बाद अज टर्मीनेट किया जाता है। असी सरकार के इस नादरशाही फैसले की निखेधी भी करते हैं ते SSA रमसा अध्यापक 8886 अध्यापकों की तनखाह कटौती के फैसले का जो रिव्यू करने की गल की गई उसके विरोध च लड़ते हाँ तो नाल दी नाल गल करते हाँ कि SSA रमसा अध्यापक का हर एक वो अध्यापक जिन्हें हाले तक क्लिक नहीं किया उन्होंने सब नू टर्मीनेट करता जाए ता जो सरकार जड़ी है होर इस तू अगे जो गोली चलानी चाहती है और चलाए। ये अध्यापक तनखाह कटौती के विरोध के लड़नगे और अंतम साल तक लड़ते रहेंगे। इस रोस वजो सिख्या मंत्री पंजाब के पुतले जड़े है सांझा अध्यापक मोर्चा की कॉल से सारे जिला हैडक्वाटर साड़े गए। आने वाले दिनों के संघर्ष होर बदमे के तिखे रूप के होर तेज किया जाएगा। इस करके इतों मांग करते हैं कि पंजाब सरकार अध्यापकों के जायज मसले जल्द तो जल्द हल करे। एन स्टार न्यूज़ के लिए कादियां से मुनीरा सलाम की रिपोर्ट।